हम पर थोड़ी दया करो। जी हाँ, अफसरनामा में लगातार हम आपको दिखा रहे हैं दीपक सारण डीसीपी ईस्ट गुरुग्राम के किस तरह का हैक्टिक शेड्यूल रहा, किस तरह से वो जमीन पे काम करते हैं, जिम्मेवारी किस तरह से निभाते हैं, ये सारी चीजें दिखाई। अब इतनी सारी भागदौड़ के बाद परिवार के साथ कुछ समय किस तरह से गुजारते हैं वो भी हम आपको दिखा भी रहे हैं और बता भी रहे हैं। मैम, सबसे पहले तो सवाल आपसे, सीमा मैम हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, कि अमूमन जो ये जो जिम्मेवारी है, बहुत बड़ी जिम्मेवारी है, तो ऐसे में परिवार के लिए कहीं ना कहीं रहती है शिकायत कि ये टाइम नहीं मिल पाता है? मजबूरियां हैं रहती है, कभी कभी हो भी जाती है, लेकिन समझते हैं कि इतनी बड़ी जिम्मेदारी है इन पर और लोगों की सेवा करना इनका मकसद था। बचपन से इनका सपना था कि मैं पुलिस ऑफिसर बनूं, कुछ करूं लोगों के लिए, और कर रहे हैं तो खुशी मिलती है। बहुत बार ऐसा देखने में आया है कि मतलब मैं खुद अंदर ही अंदर फिर खुश होती हूँ। एक मन में कचोट तो रहती है कि काश हम भी कहीं पिक्चर देखने जाएं यहाँ से और डिनर करने जाएं, लेकिन उसी टाइम कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाती है तो लगता है, लेकिन फिर भी कोई नहीं, वो तो बहुत छोटी चीज़ है। इतना हम आउटगोइंग हैं भी नहीं और घर में ही खाना ज़्यादा पसंद करते हैं, पर अच्छा लगता है कि अपनी जिम्मेदारी बहुत अच्छी से संभालते हैं तो हमारे लिए भी। अमूमन ये देखा जाता है कि ये चीज़ें तो आप लोगों को बलिदान करनी पड़ती हैं वक्त के साथ, लेकिन अगर इनके ऐसी कोई घटना याद आती है कि ये मतलब इस तरह का कि अफसोस होता हो कि आप ये तो पुलिस में बवाल ही हो गया, मतलब पुलिस में क्यों, मतलब इस तरह की कोई स्थिति? इतना तो अभी तक तो ऐसा कुछ, ऐसी कोई घटना आती होगी, हाँ जी पुलिस में है। हाँ, हाँ ऐसी बहुत है। और एक तो पीछे ये शायद आप लोगों को याद भी होगा, जब एक एक्सीडेंट हुआ था, पता नहीं किसने कर दिया था गाड़ी वाले ने, और चला गया था और वो रोड पे पड़ा था, बंदा मरी जाता, यंग, बिल्कुल यंग बच्चा, और उसके काफ़ी ब्लड निकल रहा था, और ये आते हैं मीटिंग लेने के लिए आ रहे थे, रास्ते में देखा कि पड़ा, तो अपनी गाड़ी में उठा कर उसको मैदान था, मतलब उठाने के लायक भी नहीं था, इस हालत इतनी बुरी हालत थी उस बच्चे की, 20 साल का बच्चा होगा शायद वो लगभग, फिर मैदान तले गया और वो बच गया, जिंदा है, तो खुशी होती है। क्या बनना है बड़े होके? पुलिस वाले बनोगे पापा की तरह? हाँ, पुलिस वाले। पुलिस वाला क्या करोगे पुलिस वाला बनके? गन लेऊंगा। गन लेऊंगा, गन लेके आओगे, और गन से क्या करोगे? चोरों को पीटूंगा। किन को? चोरों को पीटोगे? अरे वाह, तो आपको ड्राइंग क्यों पसंद है? क्योंकि मुझे अच्छी लगती है। क्योंकि मुझे अच्छी लगती है। क्या बनना है फिर बड़े होके? अब आर्ट टीचर। आर्ट टीचर। सर, आपसे जानना चाहेंगे कि ये सब इतनी बड़ी जिम्मेवारी, उसमें आपके शौक की बात करें क्या हैं और उनके लिए कैसे वक्त निकाल पाते? देखिए, टाइम तो मैनेज करना पड़ता है,
टाइम हर एक चीज के लिए निकल सकता है, ऐसा कभी नहीं होता कि व्यक्ति के पास टाइम ही ना हो। वो कोई कामचोर व्यक्ति कहेगा कि मेरे पास टाइम नहीं है। मेरा शौक बेसिकली, अगर मैं घर में हूँ तो पहला शौक है मैं शॉर्ट स्टोरीज पढ़ता हूँ, जो कई बेस्ट सेलिंग शॉर्ट स्टोरीज हैं जो पुराने पीरियड की हैं, अच्छे ऑथर्स की हैं, मैं वो बुक्स पढ़ता हूँ। अगर मेरे पास थोड़ा समय ज़्यादा हो तो मैं वाइल्ड लाइफ फ़ोटोग्राफी करता हूँ। फिर बाहर जाके आई एम ए एविड नेचर लवर, और मैं बाहर जाके किसी भी सेंचुरी में जाके अपना टाइम व्यतीत करता हूँ। और ये कोशिश करता हूँ कि मैं जानवरों के बारे में, वनस्पति के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन गेन कर सकूँ उनके बिहेवियर के बारे में। बहुत किस तरह के शौक है, चाहे वो रीडिंग की बात। जी मैम, कुछ कह रहे थे आप? नहीं, ये सच्ची बात है सारी, कि मैं भी लाइक करती हूँ और इन शौक को, कि जब भी हम कभी बाहर जाते हैं तो हमेशा हम कभी रश वाले में या कोई दिखावे वाले में नहीं रहते, हम हमेशा जंगल की साइड ही जाते हैं कि वहाँ सुकून से और प्रकृति के साथ हम थोड़ी देर रह सकें, और उनके बिहेवियर के बारे में, उनके को क्या व्यवहार होता है पशु का, ये सब जानते हैं उन चीज़ों के बारे में, तो मुझे ही बताते हैं, मैं इनसे ज्ञान प्राप्त करती हूँ इन चीज़ों का। और कोई भी अगर पशु मिल गया भूखा है तो ज़रूर उनको खाना भी देंगे। सुकून और शांति बड़ी महत्वपूर्ण होती है जीवन में। सर एक बात जानना चाहेंगे, पुलिस ऑफिसर बनना था आपको, मैम ने भी बताया कि बचपन से ही ये सपना था आपका, तो ये क्या क्या वजह रही, क्या प्रेरणा थी? मेरे फादर साहब खुद राजस्थान एक्साइज से रिटायर्ड ऑफिसर हैं, और मेरे दो बड़े भाई हैं, वो दोनों गवर्नमेंट जॉब्स में हैं। तो मेरा भी यही एक था कि मैं गवर्नमेंट जॉब में जाके और कुछ ऐसा करूं कि जो एक सरकारी कर्मचारी या ऑफिसर की जो एक इमेज बनी होती है आम आदमी के मन में, कि काम नहीं करते या काम को टरकाते हैं या इनएक्सेसिबल होते हैं, उनसे आप मिल नहीं सकते, मैं उस धारणा को बदलूं, एक ऐसे बदलाव का मैं कारण बनूं, एक उसका एक हिस्सा मैं भी बनूं, कि गवर्नमेंट ऑफिसर्स को लोग लाइक करें, उनके काम को लाइक करें। एक और सवाल हम लेते हैं सर, कि जो एस्पायरेंट्स हैं खासकर सिविल सर्विसेज में जो आना चाहते हैं, उनके लिए क्या कुछ आप संदेश देंगे? देयर इज नो शॉर्टकट, नो चीटिंग, ओनली हार्ड वर्क। अगर देश सेवा करनी है तो आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा, आपको दिन के 14 से 16 घंटे पढ़ना पड़ेगा, और दिल लगा के पढ़ना पड़ेगा और मन को केंद्रित करके पढ़ना पड़ेगा। और कोई खास स्ट्रेटेजी होती है ड्यूरिंग प्रिपरेशन? ड्यूरिंग प्रिपरेशन मेरी यही स्ट्रेटेजी रहती थी कि अगर आप किसी से गाइडेंस ले सकें, अच्छे व्यक्ति से, अच्छे कोच से, मैं कोच ही कहूँगा, ट्रेनर से, तो आप वो ज़रूर लें, उससे आप इनपुट्स लें कि तैयारी किस प्रकार करनी है, प्लस साथ में जो है आप अपने आप को शांत रखने के लिए मेडिटेशन या योगा का ज़रूर सहारा लें। बड़ा लंबा मुश्किल सफ़र होता है तो फ्रस्ट्रेशन भी हो जाती है कई बार ऐसी स्थिति, इसलिए तो ये बड़ी बात सारन सर ने बताई है कि जो ये मकसद लिए हुए हैं मन में कि हमें सिविल सर्विसेज में हमें लाखों लोगों की भलाई करने की जो मंशा है, जो इच्छा है, जो गोल है वो हासिल करना है, तो उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण ये है कि आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, जिसका कोई शॉर्टकट नहीं है। और बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत मज़ा आया, थैंक यू वेरी मच मैम, बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। और फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही, नमस्कार। हम पर थोड़ी दया करो।